दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैंने आपके लिए स्क्वायर और क्यूब की एक मेथड लेके आई हूँ। आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे क्यूब के लिए। क्यूब के लिए मेथड्स के लिए बहुत सारे मेथड्स होंगे, पर मेरी मेथड वो बहुत अलग है। जो मेरी मेथड मैंने ढूंढी है वो यूट्यूब पे नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं क्यूब। क्यूब के लिए मुझे 1 to 4 तक बच्चों के क्यूब लर्न चाहिए। नॉर्मली सब बच्चों के है लर्न होंगे। अब बच्चों के 1 to 4 तक क्यूब लर्न हुए तो वो आगे के क्यूब निकाल सकते हैं। देखो, 1 cube 1, 2 cube 8, 3 cube 27, 4 cube 64। और 1 to 4 तक हमने तो क्यूब लिखे, उसके आंसर हमने एक रो में नीचे लिखे, मतलब 1, 8, 27, 64। है 1 का क्यूब है, है 2 का क्यूब है, है 3 का क्यूब है, है 4 का क्यूब है। अब हमें इनका डिफरेंस का डिफरेंस निकालना है, मतलब 8 माइनस 1 आता है 7, तो उसके नीचे 7 लिखेंगे। 27 माइनस 8 आता है 19, तो उसके नीचे 19 लिखेंगे। अब 64 माइनस 27 37, तो अब इधर लिखेंगे हम 37। अब हम इस हीरो लिखी, उसका भी फिर से हमें डिफरेंस निकालना है, तो निकालते हैं। 19 माइनस 7 आता है हमारा 12, 37 माइनस 19 18। अब हमें उनका डिफरेंस निकालना है, 18 माइनस 12 6। तो हमें इसमें क्या पता चला कि डिफरेंस का डिफरेंस 6 आया है, और मैं बोलती हूँ कि 6 ही आता रहेगा। तो हमने तो 4 तक लर्न ही किए थे, हमें फिर 5 का क्यूब निकालना है। तो वो कैसे निकाले वो मैं बताती हूँ। 6 प्लस 18 आता है 24, तो 18 के आगे हम लिखेंगे 24। अब 24 प्लस 37 आता है 61, तो 37 का आगे हम लिखेंगे 61। अब 61 प्लस 64 125, अब 64 के आगे हम लिखेंगे 125। ये जो 125 आपको दिख रहा है ना, वो 5 का क्यूब है। ये एग्जैक्टली सही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिफरेंस का डिफरेंस 6 आएगा और आगे भी आता रहेगा। ये सही है क्या गलत, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो, 24 माइनस 8 हमें करना पड़ेगा और एग्जैक्टली 6 आता है। तो इसका मतलब ये डिफरेंस की सीरीज है, आगे 6 आएंगी। मैं और एक आपको 6 का क्यूब निकाल के देती हूँ, बाद में आपको जितना चाहे आप निकाल सकते हो। देखो, 6 प्लस 24 आता है हमारा 30, इसलिए 24 के आगे हम लिखेंगे 30। अब 30 प्लस 61 आता है हमारा 91, तो 61 के आगे हम लिखेंगे 91। अब 91 प्लस 125 216, ये जो 216 आपको दिख रहा है वो है 6 का क्यूब। अब देखो, 30 माइनस 24 6, एग्जैक्टली 6। तो आपको आगे भी निकालना हो तो कैसे करे, डिफरेंस तो हमारा 6 आएगा, तो हमें ऐसे ऐसे करना है। कैसे, मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसकी जो एडिशन आएगी वो इसके सामने लिखनी, फिर से इसकी जो एडिशन आएगी वो इसके सामने, और इसकी एडिशन की, तो आपको ही आया। समझ में आया दोस्तों? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हे क्यूब का टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा।